हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग और आज की वीडियो में जो है जो आपका सब्जेक्ट है इन्वॉर्मेंटल साइंस पर्यावरण उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है 2022 का उसको जो है सॉल्व करके मैं लेके आ रखा हूँ और इससे पहले वाली वीडियोस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर फोर्टी तक के आंसर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ और आज की वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर जो है सिक्सटी तक के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ और इससे पहले अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर फोर्टी तक के आंसर नहीं देखे हुए तो लास्ट में आपको प्लेलिस्ट शो होगी आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके वो बीट्यूज़ देख सकते हैं सारे तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आज हमारा जो है फोर्टी वन तो ये क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान डॉट डॉट में स्थित है तो जो भारतीय वन अनुसंधान है वो जो स्थित है वो है हमारा देहरादून में तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ, सी जो है वो राइट आंसर है देहरादून उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्टी टू कि रामदेव मिश्रा को डॉट डॉट का जनक कहा जाता है तो जो रामदेव मिश्रा है उनको जो है आ, इंडियन इकोलॉजी का जो है जनक कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री कि जैव विविधता डॉट डॉट पर निर्भर होती है तो जो जैव विविधता होती है वो जो निर्भर होती है वो होती है उपरोक्त सभी पर तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं भूगोल अन्य प्रजाति की उपस्थिति पर और मृदा पर सॉरी मुद, मुद्रा पर ये तीनों जो हैं आपके जो हैं सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही आंसर है सॉरी मृदा है ये उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्टी फोर कि उत्तराखंड भूकंप के किस क्षेत्र में स्थित है तो जो उत्तराखंड है वो जो भूकंप के जो क्षेत्र में है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर है फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी फाइव की गुटनबर्ग वर्ग रिवटर नियम संबंधित है तो जो गुटन वर्ग जो रिएटर जो नियम है वो जो संबंधित है वो है हमारा भूकंप से तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर है और दोस्तों अगर आपने अभी तक जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है आपको आ, जो व्हाट्सअप ग्रुप है मैंने आप लोगों के लिए पिन किया हुआ है आप लोग उस पर क्लिक करके जो है ज्वाइन कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्टी सिक्स कि हरित क्रांति के जनक कौन है तो जो हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं आपके एन जो एन ब्रोलोग हैं वो आपके जो हैं हरित क्रांति के जनक हैं और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं आपको किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर बताता हूँ तो आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में सही क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं क्योंकि मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ और मैं भी जो है किसी क्वेश्चन का गलत आंसर आप लोगों को बता चुका हूं, सकता हूँ या ठीक है तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्टी सेवन कि में से कौन पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है तो जो यहाँ पे सही आंसर है वो है जीवाश्म ईंधन तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो राइट आंसर है जीवाश्म ईंधन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ने है हमारा फोर्टी एट कि निम्न में से कौन सा राज्य पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन करता है तो जो पवन ऊर्जा का जो सर्वाधिक जो उत्पादन करता है वो करता है हमारा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्टी नाइन कि निम्न में से कौन सा आकार स्थाई जनसंख्या को दर्शाता है तो जो स्थाई जनसंख्या को जो दर्शाता है वो दर्शाता है हमारा घंटी का आकार तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट right आंसर है उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टी कि जल का प्राथमिक उपचार डॉट डॉट भी कहलाता है तो जो जल का प्राथमिक उपचार है वो कहलाता है हमारा जल का यांत्रिक उपचार तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर है और दोस्तों अगर आपने जो है अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो एक बार लाइक कर लीजिए क्योंकि आपको जो है आगे भी जो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन से लेके जो हंड्रेड तक के क्वेश्चन हैं उनके आंसर यहाँ पे दिखाई देने को मिलेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्टी वन कि भोपाल गैस आपदा वर्ष डॉट डॉट में हुई थी तो जो भोपाल जो गैस आपदा हुई थी वो हुई थी उन्नीस सौ चौरासी में तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्टी टू कि ओजोन केवल डॉट डॉट मंडल में हानिकारक है तो जो ओजोन है वो जो हानिकारक है वो है सोप मंडल में तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्टी थ्री कि कौन सी गैस मार्स गैस के नाम से जानी जाती है तो जो मार्स गैस के नाम से जानी जाती है वो जानी जाती है मिथिन गैस तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो राइट right आंसर है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्टी फोर कि विवेकानंदन पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है तो जो विवेकानंदन जो पर्वतीय जो कृषि अनुसंधान है वो जो स्थित है वो है हमारा अल्मोड़ा में तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट right आंसर है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्टी फाइव कि मानव की मूलभूत आवश्यकताएं डॉट डॉट प्राप्त होती हैं तो जो मानव की जो मूलभूत जो आवश्यकताएं है, होती हैं वो जो प्राप्त होती हैं वो होती हैं प्रकृति द्वारा तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है और दोस्तों अगर आपने जो है इससे पहले वाली जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर फोर्टी तक के आंसर नहीं देखे हुए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्ले है आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं सारे क्वेश्चन के आंसर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्टी कि क्लोरीन का एक अणु डॉट डॉट तोड़ सकता है तो जो क्लोरीन का जो एक अणु होता है वो जो है ओजोन के एक लाख अणुओं को जो है तोड़ सकता है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट right आंसर है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्टी सेवन कि सलीम अली का प्रसिद्ध थे सॉरी सलीम अली एक प्रसिद्ध थे तो जो सलीम अली थे वो एक जो थे पक्षी विज्ञानवेता थे तो यहाँ पे जो बी है वो आपका सही आंसर है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्टी एट कि खनिजों को डॉट द्वारा निकाला जा सकता है तो जो खनिज होते हैं उनको जो निकाला जाता है तो यहाँ पे तीन जो ऑप्शन है वो सही है ए बी सी तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा सभी फिर है, हमारा 59, की कवक में डौट -डौट की कमी होती है तो जो कवक में जो कमी होती है वो होती है प्रणहरित की तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इसका सही आंसर है उसके बाद हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है आज का सिस्टी और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है अगर आपने नहीं देखे हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा इस क्वेश्चन के बाद आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी आप जाके सारे क्वेश्चन के आंसर वहाँ पे देख सकते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिस्टी कि लाइकन डॉट डॉट है तो जो लाइकन है वो एक प्रकार का जो है एक सेवा कौ का, का आपसी संबंध है तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है और दोस्तों अगर आपने जो है इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हुई है तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा अगर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अभी तक जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रख लीजिएगा क्योंकि जो आगे मैं क्वेश्चन लेके कर आऊँगा सिक्सटी वन से लेके हंड्रेड तक के आंसर उनके जो नोटिफिकेशन है वो तभी आपको मिल पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस किया होगा और यहाँ पर आपको अभी प्ले लिस्ट मिलेगी उस पर क्लिक करके आप लोग जो है सारे जो क्वेश्चन है उनके आंसर देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बाय बाय एंड हैव अ गुड डे